नमस्ते, सत श्री अकाल सब नू। आज वो दिन आ गया जिसकी उम्मीदें लेकर हम दिल्ली से चले थे। बहुत कठिन सफ़र लग रहा था। मैं इस वक्त अक्कू की अम्मी कन्याकुमारी में हूँ। हम आज सफ़र के 9वें दिन यहाँ पर पहुँच गए थे कल, और अक्कू की जो विश थी दिल्ली से कन्याकुमारी बाय रोड आने की, वो जिस जज्बे के साथ हमने शुरू करी थी, वो जज्बा पूरे 8-9 दिन हमारे अंदर बना रहा। परमात्मा ने हमें शक्ति दी, आप सब ने जो फ़ोन के माध्यम से हमें ब्लेसिंग दी, हमें विश करते रहे, वो हमें हिम्मत भरता रहा कि आपके प्यारे अक्ष में उनकी ये वाली विश हम पूरी करें। और वाहिगुरु ने ऐसा ही किया, बिना कोई रुकावट, बिना कोई खेद के, बिना किसी इंटरप्शन के 3000 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके हम अक्षमोन की मनचाही डेस्टिनेशन पर उसके मनचाहे तरीके से दिल्ली से बाय रोड कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। सनराइज देखने हम आए हैं सुबह सुबह। ये सूरज उग रहा है और ये समुद्र की लहरें हैं, और ये विवेकानंद रॉक और इंदिरा पॉइंट है। अक्षमोन सूरज के रूप में हंस के अपने मम्मी पापा का स्वागत कर रहा है, और सूरज की किरणें ऐसे लग रही हैं। अक्षमोन अपनी दोनों बाहों से मम्मी पापा को घुट के जफ्फी डाल के प्यार कर रहा है। तन गुर तेग बहादुर साहब, तान तेरी कुदरत परमात्मा, बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाई लख्या। और अक्कू की अम्मी का वेलकम करता हुआ कन्याकुमारी में रेनबो के रूप में अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ। आज मैं आपसे एक दिल की गहराइयों से ये बात करना चाहती हूँ कि एक ऐसी सच्चाई जो कि सारी दुनिया जानती है, जिसे किसी देश, कोई कौम नहीं बदल सकती, कि माँ की ममता को तो सब नाम देते हैं, इज्जत करते हैं, पर पिता का स्नेह और पिता का ताकत जो एक बच्चे के लिए होती है, वो किसी बहुत बड़ी नींव और बहुत बड़े पिलर के बराबर होती है। वो अक्कू की अम्मी को तो आपने जो प्यार दिया, अक्कू के पापा ने जो कर दिखाया पर्दे के पीछे से, वो शब्दों में मैं कहकर उनके किए हुए काम को छोटा नहीं करना चाहती। हम बस किसी कारण, कोई कारण नहीं था हमारे पास कि हमारा सहज हमसे कैसे बिछड़ गया। उस वक़्त की जो कोशिशें हैं, जो सबने की, हमने की, रात दिन एक कर दिया। वो बातें दोबारा से करूंगी तो मन बहुत भारी होगा, क्योंकि वो बातें मैं बहुत बार जज्बात में और कई बार गुस्से में फेसबुक पर भी लिख चुकी हूँ। पर इस पूरे सफ़र के दौरान जो हमने 13 मई को दिल्ली से शुरू किया 3000 किलोमीटर में, उसमें सबसे ज़्यादा जो हिम्मत रही वो अक्कू के पापा की रही। उन्होंने पूरा दिन 700 से लेके 800 किलोमीटर 50 डिग्री टेम्परेचर पे कार चलाई, और रात को फिर वो थोड़ा सा सो पाते थे सुबह उठते ही, क्योंकि रात को कमरे में पहुंच के ये नहीं होता था कि होटल में पहुंचे और होटल हमें ढूंढना होता था, होटल पसंद करना होता था, उसमें जाके अपना सामान शिफ्ट करना होता था, फिर पूरा दिन जो शूट किया या अगले दिन कैसे निकलना है, कितनी देर में पहुंचना है, गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सब अक्कू के पापा ही देखते थे। देखिए, जब मैंने सच की बात की, क्योंकि एक पिता भगवान के बराबर होता है, तो पास में चर्च से ये बेल की आवाज़ भी आ गई कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ कि अक्कू के पापा ने बहुत हिम्मत और बहुत प्यार दिखाया। लड्डू की तरफ से एक मिस्टर विजय कुट्टी कोयम्बटूर से थे जिन्होंने ये लिखा है, योर विश फुलफिल्ड अक्की। और बहुत सारे यूट्यूबर मिले हमें, बहुत सारे राइडर्स मिले, गदगद हो गए। एक अक्षमोन तो किस्मत की वजह से खो दिया, पर हमें आज जब इस यात्रा पर निकले तो हमें अक्षमोन जैसे हजारों अक्षमोन दिखे। हाय,
Hi Aku, you're finally here at Kanyakumari and biggest love from Tamil Nadu, from Tamil people. I'm really proud of your parents. I hope you are very happy at event. Your wish is fulfilled today. I saw Ammi here. Ammi is also happy. Appa is also very happy. Tamil Nadu, you are very happy. Even Sandosha, even Adhemari Sefa, they have to get back to Delhi. Take care of them. Miss you too. And you have such a wonderful, proudful parents. I'm proud of them. I'm getting a little bit emotional after seeing them. And voluntarily, I came to write it on the car. Stay happy at heaven and keep your parents happy also. Bye. Hi Akku, amma appa inga vandu kandipa Delhi la irundhu inga Kanyakumari vandutanga. Neeya mela irundhu paathitu irukkaanu theriyudhu. Romba sandoshama irupa nenikiren. Unnoda aasai kanavu unna appa amma vandhu inga neravetittaanga. Nee mela irundhu paathitu irupa. Inga vandhu romba sandosham. Kaara paathuna amma appa paathuna enak konjam paathuna konjam feelings aayitan. வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க சொன்னாங்க இப்படி ஆயிடுச்சு. பட் எனக்கு அந்த ஃபீலிங் இல்லை. அம்மா அப்பா எப்படி இங்கே சேஃபாக வந்தாங்களோ அதே மாதிரி கன்னியாகுமரி டு டெல்லி சேஃபாக நீ தான் கூட்டிகிட்டு போகணும். யூ ஹாவ் உனக்கு வந்து ஒரு அருமையான ஒரு பெற்றோர்கள் கிடச்சிருக்காங்க, அருமையான ஒரு அம்மா அப்பா. இவங்களை பார்க்கும்போது எனக்கே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸ்டே ஹாப்பி அட் ஹோம். हमारे बहुत भावपूर्ण क्षण है जब हम उस हीरे जैसे अक्कू की वो विश पूरी कर रहे हैं कन्याकुमारी आकर, जो उसका बहुत बड़ा ड्रीम था, सपना था आने का यहाँ पर पापा के साथ. अब पापा भी आए हैं, मम्मी भी आई है, पर जिस बच्चे ने हमें लेकर आना था इस जगह पर, वो खुद जो सपना देखता था वो पता नहीं कब सपना बन गया. भगवान हमारी इस कोशिश को अपने चरणों में स्वीकार करे, हमें शक्ति दे, आप सबका प्यार दे और अक्कू को अपने चरणों में बैठे हुए इस बात के लिए प्रसन्नता दे कि उसके मम्मी पापा ने उसकी ये प्यारी सी छोटी सी विश पूरी करने की कोशिश की है. थैंक यू सो मच आप सबकी ब्लेसिंग का और आप सबके प्यार का. अक्कू खुश हो रहा है पापा को देखकर. अपने कन्याकुमारी तक के सफ़र में हम अक्कू के अम्मी और अक्कू के पापा, हमने कई ऐसे रिश्ते देखे इस 3000 किलोमीटर के सफ़र में, जब हमें बहुत अच्छा लगा कि कोई भी हमें मैसेज करता तो वो साथ में ये लिखता कि प्यारी सी ब्लेसिंग देके कि अक्कू की मासी, अक्कू की बहन, अक्कू का भाई, अक्कू का ब्रो, अक्कू का दोस्त, अक्कू की भाभी, अक्कू की आंटी, अक्कू के अंकल. तो अक्कू ने अब अक्कू अपनी अम्मी तक ही सीमित नहीं रहा, वो अक्कू कितने रिश्ते जोड़ गया. ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे मिले जो अक्कू को जज्बे को सलाम करते थे, उसे एज ए फोटोग्राफर, एज ए राइडर जानते थे. और ऐसे अनजान लोग भी मिले जिन्हें ना हमारे साथ भाषा की प्रॉब्लम आई, ना हमें कुछ समझाना पड़ा. वो हमारे दर्द, हमारा प्यार, हमारी तकलीफ़ और हमारे आत्मा की आवाज़ से ही समझ गए कि हम किस प्यार से भर के अपने खोए हुए बच्चे की खुशी को ढूंढने के लिए निकले हैं. ये कोई पिकनिक नहीं थी, ये कोई मज़ेदार सफ़र नहीं था, ये कोई एंजॉयबल नहीं था. हाँ, सहज की तरह जीने की एक कोशिश की थी क्योंकि वो हमेशा ज़िंदगी को हर पल जीता था, पर मज़ा तब होता यही ज़िंदगी के पल हम उसके साथ जी पाते, पर नहीं जी पाए. उस परमात्मा के आगे किसी की नहीं चलती, हम तो उस परमपिता परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है. पर बड़े प्यारे रिश्ते बने. तो आज अक्कू की अम्मी आपसे कहती है कि अक्कू की बहुत बहनें बन गई जो अभी तक नहीं थी, अक्कू के बहुत भाई बन गए जो अभी तक भाई नहीं थे, अक्कू के बहुत सारे मासियाँ, अक्कू की बहुत सारी बुआ, अक्कू के बहुत सारे अंकल, अक्कू के बहुत सारे भाई, दोस्त और बहुत सारी आंटी बनी, जो खुद लिख रहे हैं मैसेज में कि अक्कू की आंटी हेयर, अक्कू का भाई हेयर, अक्कू का ब्रो हेयर, अक्कू का फ्रेंड हेयर. कईयों ने तो इतना प्यारा लिखा कि पूरी पूरी स्टेट की तरफ से ही लिख दिया कि अक्कू तमिलनाडु लव्स यू, अक्कू तेलंगाना लव्स यू, अक्कू
जो भी स्टेट रास्ते महाराष्ट्र महाराष्ट्र तो आई बिदर बिदर महाराष्ट्र में था ना, हाँ लिख ऐसे भी किसी ने बोला, तो ये सब बड़ा प्यार भरा अनुभव रहा हमारा को, हमारी सांसों से दिल से निकलकर सबके दिलों में उतर गया। गुड मॉर्निंग, सुबह की पहली चाय के साथ, वो भी समुंदर के किनारे में, ऐसी सुबह ऐसी चाय रोज चाहिए। ये जो हम शूट करते हैं अक्कू की अम्मी के लिए, ये कैसे करते हैं ये शेयर करना चाह रही थी मैं। ये ईंटें लेनी पड़ती हैं, जगह डिसाइड करनी पड़ती है, अक्कू की जैकेट को पूरी प्यार और सम्मान के साथ रखना होता है, उसके बैचेस का कोई नुकसान ना हो, और अक्कू की जो पिक है प्रीतमोहन ने बनवाई है वो हवा के प्रेशर से रुकनी बड़ी मुश्किल होती है, और उसको रोकना और कार से बार बार जगह बदलना, जो जो जगह जैसा जैसा नेचर अक्षमोन को पसंद था, ये सब करने का जो जज्बा है, हर जगह पर जो हमने ये अक्षमोन राइड्स लिखा है, ये जब हम दिल्ली से कन्याकुमारी की ओर आए तो बहुत जगह ऐसा प्रेशर था कि एक एक पोस्टर पर ये जो हमें हजारों बार टेप लगानी पड़ी, और पीछे भी दिखा दे जड़ा साइड वाला उड़ गया, और ये जो इसे क्या बोलते हैं, ये विंडो के ऊपर एक होता है ब्लेड, ये भी उड़ गया हवा से, इतनी तेज हवा थी। और इस तरह से कई हमने पिक्स अक्कू की लगाई हुई थी जो तेज प्रेशर से बहुत बार उड़ गई, पर जैसा कि प्रीतमोहन ने अपनी हर गाड़ी के पीछे लगवाया हुआ है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है।